हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू सर जीके में। और आज से हम फिजिक्स को अपने आगे बढ़ाते हुए आज हम बीमा के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए। दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सर देखिए आगे क्या है दोस्तों कि डायमेंशन यानी बीमा, तो भौतिक राशि को प्रतीकों तथा संकेतों की घातों को ही राशि की बीमा कहते हैं। दोस्तों जैसे अगर लंबाई की बीमा निकालें, कोई भी दूरी है तो उसको हम इस कैपिटल एल से जो कि डिनोट करेंगे। द्रव्यमान की बीमा, हम द्रव्यमान तो कोई मास होगा तो उसका मास जो कि हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और समय की बीमा को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और विद्युत धारा की बीमा को हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो कि हम बड़े ब्रैकेट्स में बीमा को हमेशा इस तरह से डिनोट करेंगे कि एम के पावर, एल के पावर, टी के पावर, और भी जो आगे अगर आएंगी चीज़ें उनको हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि लंबाई को बीमा को हम स्मॉल एल से, सॉरी कैपिटल एल से, द्रव्यमान की बीमा को कैपिटल एम से, और समय की बीमा को कैपिटल टी से, और विद्युत धारा की बीमा को कैपिटल आई से। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम अपने और बीमाओं को कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल है, हम क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे कि क्षेत्रफल का जो बीमा होगा वो लंबाई या जो चौड़ाई, हम बड़े ब्रैकेट्स में इसको दिखाते हैं, तो लंबाई एक प्रकार की दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो एल और एल में तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, तो हम इसको बना सकते हैं कि ये क्षेत्रफल का जो बीमा होगा वो हमारा एल स्क्वायर होगा। उसी प्रकार और भी हमारे बीमा दिए हैं, जैसे आयतन दिया है तो आयतन का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई, ये जो कि एक प्रकार की आपकी दूरी होती है, लंबाई होती है, चाहे लंबाई हो चौड़ाई हो, एक प्रकार की लंबाई कहलाएगी। और लंबाई एल इंटू करेंगे तो एल क्यू बनेगा दोस्तों आपका। वेग एवं चाल, वेग बराबर होता है विस्थापन बचे समय, विस्थापन भी एक प्रकार की जो दूरी होती है सम, और चाल बराबर भी दूरी बचे समय होता है। तो वेग और चाल का बीमा क्या होता है, आपस में समान होता है। तो विस्थापन या दूरी के लिए हम दूरी हमको स्मॉल एल से और समय को कैपिटल टी से। अब जब कोई चीज़ अपॉन में होता है तो ये टी के पावर कुछ नहीं तो वन होगा दोस्तों, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी के पावर माइनस वन दोस्तों, टी के पावर माइनस वन। तो ये हो जो कि आपका वेग या चाल का बीमा हो जाएगा एल टी माइनस वन। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारा त्वरण है, त्वरण का भी होता है वेग परिवर्तन बचे समय, वेग का बीमा होता है एल टी माइनस वन और अपॉन टाइम, समय का दिए टी। तो जब टी ऊपर जाएगा तो प्लस वन है तो ऊपर जाएगा माइनस वन, तो टी के पावर माइनस वन और ये वाला टी माइनस, तो एल टी के पावर माइनस टू हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का बीमा हम द्रव्यमान को मास को हम एल से डिनोट करते हैं, और त्वरण की बीमा को हम एल टी माइनस टू से, जब आपस में एक ही बराबर तो एम एल टी के पावर माइनस टू दोस्तों आएगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन दोस्तों, बल का बीमा होता है एम एल टी के पावर माइनस टू। ठीक है दोस्तों, और विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार दूरी होती है तो स्मॉल एल। और देखिए यहाँ पे देखिए एम रहने दीजिए, एम उसी तरह यहाँ लिख देंगे, उसके बाद एल और ये एल, तो एल स्क्वायर होगा टी के पावर, टी माइनस टू है तो टी के पावर दोस्तों माइनस टू होगा। उसी प्रकार दोस्तों आपका शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय दोस्तों, शक्ति बराबर होता है दोस्तों कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। और कार्य का बीमा जो होती है एम एल के एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू अपॉन समय, समय का मतलब टी। अभी देखिए दोस्तों, अगर टी ये आपका प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टी के पावर माइनस टू और टी के पावर माइनस टू और टी के पावर माइनस में जाएंगे तो ये बनेगा टी के पावर माइनस थ्री दोस्तों, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री। तो पावर की बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम आते हैं अपना आगे घनत्व, तो घनत्व बराबर दोस्तों होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान को हम जो कि स्मॉल कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और आयतन को हमें एल क्यू से, एल क्यू ऊपर जाएगा तो माइनस एल, एल के पावर माइनस तीन हो जाएगा, तो घनत्व का बीमा एम एल के पावर माइनस थ्री हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों हमारा, घनत्व के बाद आते हैं संवेग पर। संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का बीमा दोस्तों एम होता है और वेग का होता है एल टी माइनस वन, अगर दोनों सबका मल्टीप्लाई करें तो ये एम एल टी के पावर माइनस वन बनेगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों आगे है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एक बटा दो द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये एम है एल टी के पावर माइनस टू है, तो एम तो ऐसी तरह लिख देंगे दोस्तों। अब ये दो पावर है तो ये दो के पावर एल स्क्वायर के पास भी आएगा, और टी के पावर माइनस वन तो मान लिया तो टी के पावर माइनस टू हो जाएगा दोस्तों, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू दोस्तों।
और दोस्तों एक अच्छी बात इसमें यह है, तो ये क्या है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होती हैं उन सभी का फॉर्मूला होता है ML² T^-2। सभी ऊर्जाओं का फॉर्मूला क्या होता है, ML² T^-2। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि कोई भी त्वरण हो उसका भी L^-2 तो द्रव्यमान है, तो यहाँ पे कैपिटल M, और गुरुत्वीय त्वरण है तो L^-2, और दूरी है तो ये L, और सभी को अगर हम जोड़ दें तो ये देखिए M यहाँ पे आ जाएगा, और ये L और ये वाला L मिलके ये वाला L दोनों मिलकर L² बनाएंगे और T^-2। तो सभी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक ML² T^-2 होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है दोस्तों दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का जो बीमा भी हमने दोस्तों निकाला था वो निकाला था ML T^-2/L². तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम जो कि है इसका बीमा लिख दें तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 2L है तो 1L से एक हल खत्म हो जाएगा, तो ये नीचे 1L बचेगा दोस्तों, और ऊपर जाएगा तो L पर -1 हो जाएगा। तो इसका बीमा होगा दाब का ML^-1 T^-2। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, ML^-1 T^-2। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है बल बल आघूर्ण या सॉरी आवेग। तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, तो बल का बीमा होता है ML T^-2 समय, समय की बीमा होता है T, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पे T^-2 है और T+1 है दोस्तों, कुछ नहीं है तो +1 2 2 -2 और +1 घटेगा तो T^-1 आएगा दोस्तों। तो इसका बीमा हो जाएगा, आवेग का बीमा हो जाएगा ML T^-1। ठीक है दोस्तों, बल आघूर्ण, तो देखिए दोस्तों बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल इंटू दूरी। तो बल का बीमा ML T^-2 और दूरी का मात्रक L, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ML² T^-2। तो दोस्तों आप एक नोट करके लिखिए दोस्तों, नोट क्या है कि कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा की कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा और बल आघूर्ण जो है आपस में क्या होते हैं, उनकी बीमाएं आपस में दोस्तों बराबर होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर होता है दोस्तों, प्रतिबल बराबर होता है दोस्तों आपका बल बटे क्षेत्रफल। बल का आपका होता है ML T^-2 और क्षेत्रफल मतलब L² दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों 2L से 1L खत्म हो, नीचे 1L बचेगा और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका बीमा हो जाएगा दोस्तों ML T^-2। विकृति, विकृति का जो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, मतलब दोनों लंबाई, तो लंबाई है तो लंबाई को L से और नीचे भी लंबाई तो L से L खत्म होगा तो L^2 बचेगा क्या दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा, L^2 बचेगा आपका देखिए L है, नीचे L^-1 है, ऊपर जाएगा तो अभी घटेगा तो L^0 बचेगा, तो L^0 का मतलब होता है 1। तो हम कह सकते हैं कि विकृति बीमा L^0 होगा, या फिर एक विकृति एक बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा दोस्तों है प्रत्यास्था गुणांक, और प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रतिबल बटे विकृति दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, एक सेकंड दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो प्रतिबल बटे विकृति दोस्तों, तो आगे देखिए प्रतिबल बटे विकृति और प्रतिबल का बीमा आपका होता है दोस्तों क्या होता है, अभी हमने आपको प्रतिबल बताया यहाँ पे कि हो जाएगा ML^-1 T^-2। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ML^-1 T^-2 प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा जो कि आपस में बराबर होता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम विकृति, विकृति का कोई बीमा नहीं होता दोस्तों, इसलिए यही फॉर्मूला आपका ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारा 18 नंबर है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बटे लंबाई, और आप जानते हैं कि बल का जो अपना बीमा होता है दोस्तों, जो आपका बल का बीमा होगा, बल का होता है ML T^-2, और नीचे लंबाई है तो लंबाई का क्या जो L हो जाएगा दोस्तों, L से L खत्म हो जाएगा तो ये बचे क्या बचेगा ML T^-2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों टाइप कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है देखिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल का बीमा आप जानते हैं दोस्तों कि बल होता है ML T^-2, और दूरी है तो दोस्तों
दूरी है तो दूरी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपन द्रव्यमान इनको द्रव्यमान, तो एम स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक एम से एक एम खत्म, तो एक एम बचेगा प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस में, और यहाँ पे एल दो है, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे तीन हो जाएगा, और टी के पावर माइनस टू है तो टी के पावर माइनस टू, तो इसका बीमा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा हो जाएगा दोस्तों एम के पावर माइनस वन एल क्यू अप और टी के पावर माइनस टू। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं, दोस्तों आगे क्या होगा, देखिए दोस्तों आगे आगे क्या करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों या किसी प्रकार उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम एल के एम एल टी के पावर माइनस टू, तो एम से एम खत्म कर दें तो ये बचेगा एल टी के पावर माइनस टू दोस्तों। ठीक है माइनस टू। उसके बाद इक्कीस नंबर हमारा है गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कार्य बटे द्रव्यमान, और कार्य जो कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों का एम एल स्क्वायर के पावर माइनस टू, और द्रव्यमान को हम यम से डोनेट करते हैं दोस्तों बड़े ब्रैकेट्स में। अब देखिए दोस्तों यम से यम अगर खत्म करें तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, तो आपका गुरुत्वीय विभव का बीमा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों कि एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन से स्प्रिंग का बल नियतांक, तो स्प्रिंग का बल नियतांक का फॉर्मूला होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। तो बेटा कोई भी बल हो आप जान दोस्तों सॉरी दोस्तों कोई भी बल हो आपका, उसका जो कि बल बल का फॉर्मूला बल के बीमा जो होता है डायमेंशन होता है बेटे दोस्तों वो एम एल टी के पावर माइनस टू होता है दोस्तों, और लंबाई में वृद्धि तो लंबाई में यल से होता है दोस्तों, यल से अगर यल हम क्रॉस कर देंगे यल से यल कर देंगे तो ये बचेगा एम टी के पावर माइनस टू दोस्तों। ठीक है दोस्तों ठीक है आगे देखते हैं, आगे हमारा है दोस्तों आगे हमारा आवृत्ति है, आवृत्ति होकर इक्वल टू आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन आवर्तकाल, आवर्तकाल हम एक समय पीरियड को कहते हैं दोस्तों, ये हमारा एक टाइम पीरियड होता है और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, तो ये होगा वन अपॉन टी, और ये टी के पावर कुछ नहीं तो वन होगा दोस्तों, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस वन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो कि आवर्तकाल का जो बीमा होता है बीमा सूत्र होता है वो टी के पावर, ये देखिए दोस्तों बीमा है ठीक है, टी के पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारा है दोस्तों आवृत्ति के बाद कोण, कोण है और कोण में क्या है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप दोस्तों चाप क्या होता है, एक प्रकार की दूरी होती है हमारी, और त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी होती है, तो चाप यल दूरी को यल से, चाप को भी यल से, और त्रिज्या को यल से, जब हम काटेंगे तो यल के पावर जीरो बचेगा, यानी चाप कोण जो हमारा होता है एक बीमाहीन राशि होती है, या हम बोल सकते हैं कि जो चाप बीमा होगा वो यल के पावर जीरो होगा दोस्तों। ठीक है आगे हमारा दोस्तों है, आगे हमारा देखिए कोणीय वेग है, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय, अभी आपने देखा कि कोण का बीमा कुछ नहीं होता, समय वन अपॉन टी, तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन, तो टी के पावर माइनस वन दोस्तों। आगे हमारा कोणीय त्वरण है दोस्तों, कोणीय त्वरण इक्वल टू होता है कोणीय वेग बटे समय, तो कोणीय वेग अभी हमने देखा कोणीय वेग का बीमा होता है टी के पावर माइनस वन, और समय नीचे दोस्तों है ही है, तो जब ये और ये टी के पावर माइनस वन ये ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस टू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों जड़त्व आघूर्ण, आगे देखते हैं दोस्तों जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण में क्या है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, तो मास दूरी मतलब एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर दोस्तों। और हम आगे देखते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग इक्वल टू होता है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, तो अभी आपने देखा कि जड़त्व आघूर्ण का बीमा होता है एम एल स्क्वायर, और कोणीय वेग का बीमा होगा टी के पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे देखिए, आगे हमारा है विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों होता है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है दोस्तों इसमें आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, देखिए कैसे, देखिए दोस्तों कैसे दोस्तों आपको ये देखिए ऊर्जा, ऊर्जा का मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे स्थिति ऊर्जा हो, चाहे आपकी गति ऊर्जा हो, चाहे उसमें ऊर्जा हो, एक कार्य भी हमारी एक प्रकार ऊर्जा हो, चाहे कार्य क्यों ना हो, सबकी जो बीमा होती है दोस्तों वो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है उसके बाद द्रव्यमान को हम एम से चुनौत करते हैं, नया क्या है दोस्तों कि अगर किसी चीज़ में ताप आ जाए मतलब टेम्परेचर आ जाए तो टेम्परेचर को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो देखो एम से एम दोस्तों ख़त्म हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू और थीटा के पावर माइनस वन बचेगा दोस्तों, क्यों थीटा ऊपर जाएगा तो। ठीक है आगे देखिए, आगे हमारा जो कि दोस्तों है ऊष्मा धारिता,
उष्मा धारिता तो ये होता है उसमें ऊर्जा बचत द्रव्यमान। तो अभी मैंने बताया कि किसी कोई भी ऊर्जा हो तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, और द्रव्यमान तो एम, तो एम से एम खत्म करें तो एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू बचेगा दोस्तों। उसी प्रकार रेखीय प्रसार गुणांक, तो रेखीय प्रसार गुणांक का देखिए दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि मतलब यल लंबाई, तो यल प्रारंभिक लंबाई तभी यल, ताप में वृद्धि थीटा। तो यल से यल अगर खत्म कर दें तो बचेगा थीटा, 1/थीटा बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो थीटा इन्वर्स हो जाएगा, थीटा वन माइनस वन। ठीक है दोस्तों आगे देखिए, आगे हमारा देखिए दोस्तों है ऊष्मा चालकता गुणांक। आपका आगे क्या है दोस्तों, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक इक्वल टू होता है ऊष्मीय ऊर्जा इंटू दूरी अपॉन क्षेत्रफल इंटू तापांतर इंटू समय अंतराल। तो देखिए उसमें ऊर्जा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, और उसके बाद दूरी, दूरी के लिए हम एल से लिख देंगे, और क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर लिखते हैं, तापांतर तापमान टेम्परेचर को थीटा से लिखते हैं दोस्तों, समय अंतराल को टी से लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो देखिए एम हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, ठीक है। उसी प्रकार ये एल रहेगा दोस्तों, और नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, थीटा ये टी। तो देखिए दोस्तों एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ख़त्म, ठीक है, और ये क्या आपका यहाँ पे था, आपका यहाँ पे टी था, तो टी से ये माइनस टी तो ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा दोस्तों, और एक ईयर ऊपर तो ये ईयर, और एम बचा तो एम, और थीटा ये एल स्क्वायर तो खत्म ही हो गया, थीटा थीटा इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका दोस्तों बीमा हो जाएगा आपको, क्या बीमा हो जाएगा कि एम एल टी के पावर माइनस थ्री थीटा इन्वर्स या थीटा पावर माइनस वन। ठीक है दोस्तों, बोल्ट्समान नियतांक का बीमा जो होता है दोस्तों, गति ऊर्जा फॉर्मूला जो होता है गति ऊर्जा अपन ताप। तो आप ऊर्जा के बारे में बात करें तो दोस्तों एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, और आप देख रहे होंगे दोस्तों इसमें आपने क्या देखा दोस्तों, थीटा है तो थीटा ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, और साथ में क्या हो जाएगा आपका, थीटा इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा है आगे ये हो गया दोस्तों, उसके बाद गैस नियतांक है, और गैस नियतांक इक्वल टू होता है दाब बटे आयतन इंटू ताप, दाब इंटू आयतन अपॉन ताप, ठीक है, मतलब बजट ताप। तो देखिए दाब का एम एल टी के पावर माइनस वन टी के पावर टू, और आप इस पर इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। प्लांक नियतांक के जो दोस्तों ये आपका आवृत्ति है, आप देखिए निकाल ही सकते हैं इसको, वेग प्रवणता वेग परिवर्तन बटे दूरी ये भी निकालेंगे दोस्तों आप, स्थायित्व गुणांक बल बटे क्षेत्र इंटू वेग प्रवणता ये भी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको हम इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि देखिए बीमा, तो बीमा क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा कि त्वरण, तो त्वरण आप बोलेंगे एल टी के पावर माइनस टू बोलेंगे दोस्तों ना, तो ये आपका बीमा है। अगर आपसे कोई बीमीय सूत्र पूछता है दोस्तों, क्या पूछता है, बीमीय सूत्र पूछता है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है, जैसे बीमीय सूत्र पूछता है, तो आप इसमें देखिए क्या नहीं है आपके पास, एम नहीं है तो आप बोलेंगे एम नहीं है तो एम के पावर जीरो, एल एल है तो एल के पावर वन, और टी के पावर माइनस टू, ठीक है, जो नहीं होता है उसके ऊपर आप जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे वेग प्रवणता, इसका टी के पावर माइनस वन है, ध्यान दीजिए किस पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें, कि जैसे वेग प्रवणता इस पर होता है टी के पावर माइनस, तो इसकी बीमा है। अगर कोई बीमा सूत्र पूछता है तो देखिए आपके पास ना तो एम है ना एल है, और टी तो है, जो है उसको जैसे लिख देंगे, नहीं जो नहीं है उसकी पावर जीरो लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका बीमीय सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, बीमीय सूत्र, ठीक है दोस्तों, बीमीय सूत्र होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो लगा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे कि आपको ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ जाए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।